हेलो गाइज, सो हमने पार्ट वन में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी पार्ट टू में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो हमें यह बताना है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। सो जीरो को हम अगर लिखेंगे तो जीरो डिवाइड बाय हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं। जैसे हमने 0/2 लिख दिया, या फिर 0/1 लिख सकते हो आप, 0/-1 भी लिख सकते हो, नेगेटिव में भी लिख सकते हो। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो इससे हमें प्रूव होता है कि ये ऊपर है 0, ये भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में -1 है, ये भी इंटीजर है। सो ये एक नंबर क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दिस इज अ 0 इज अ रेशनल नंबर, और पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन हमारा हो गया है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो कोई भी दो रियल नंबर्स होते हैं या कोई भी दो रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें केवल इसमें 6 बताने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 3 और 4 दोनों नंबर्स को ले लेंगे और इनको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो उससे उनके बीच के नंबर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स में 6 हमें फाइंड करने हैं बीच के, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7, 4 को भी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 7 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। ठीक है, तो इस बीच इसके मिडिल में हमें 6 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6, सो दीज आर द नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7। ओके, सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो इसमें भी हम क्या करेंगे कि 3/5 और 4/5, तो इसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, या 5 से भी आप कर सकते हो। तो इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 4/5 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 10 30/50 और दूसरा नंबर हो जाएगा 40/50। सो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और न्यूमिनेटर एक का 30 है और दूसरे का 40 है। तो 30 और 40 के बीच में इंटीजर्स आते हैं हमारे 31 32 33 34 एंड 34 35 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर्स को लिखेंगे और डिनोमिनेटर 50 रखेंगे, और तो उसके मिडिल के 5 रेशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 30/50 तो उसके बीच में पहला आ जाएगा 31/50 एंड सेकेंड होगा 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 40/50। उसके बाद बीच में 36/50, 37, 38, 39 भी आएंगे, बट हमें केवल 5 बताने थे। सो हमारे ये 5 रेशनल नंबर्स हो गए हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमें बताना है कि हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो हम अगर एक नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन पे एक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 एंड सो ऑन। सो ये इधर इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। ठीक है, अभी हम दूसरी एक नंबर लाइन बनाएंगे।
उसमें हम देखेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 1 2 3 4 5, जैसे हमें हमारे पास पेंसिल्स हैं, अब हमें पेंसिल्स को काउंट करना है तो हम 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करेंगे। तो हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। सो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए, हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स में है। होल नंबर्स में जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाता है नेचुरल नंबर से, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। अब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हमें बताना है कि हर एक जो इंटीजर है वो होल नंबर है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, होल नंबर हमने देख लिया है पीछे कि क्या होता है, अभी हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सो इंटीजर्स में मिडिल में जीरो होता है, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। सो ये होता है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स हमें पता है कि होल नंबर्स हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो हमें क्वेश्चन में बताना था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल इंटीजर्स में -1 -2 -3 सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, बट होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, इसीलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हमें बताना है कि हर एक जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर होगा, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर में कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा होता है रेशनल नंबर। बट होल, जैसे रेशनल नंबर का एग्जांपल है 1/2, बट 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में हमारे जो ये नंबर्स आते हैं 0 है, 1 हो, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। सो 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, बट ये रेशनल है। सो इसीलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ओके, थैंक यू।